नाटो नाटो से बड़ा गाना होने वाला है वॉर 2 में। ऋतिक रोशन एनटीआर साथ डांस करते आएंगे नजर। एनटीआर इस वक्त काफी बिजी नजर आ रहे हैं अपनी सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर, काफी इस वक्त वो चर्चाओं में भी हैं। दूसरी ओर वॉर 2 को लेकर एक काफी खास खबर सामने निकल कर आई है। एनटीआर के फैंस उनकी बॉलीवुड डेब्यू के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यशराज फिल्म्स की स्पाई वर्स से उनका बॉलीवुड डेब्यू होने जा रहा है। वॉर 2 में ऋतिक रोशन के साथ वो काम करते हुए हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। एनटीआर ऋतिक रोशन यानी कि ग्रीक गॉड के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। ये कोलैबोरेशन दो फिनोमिनल एक्टर्स का होने वाला है जिसमें हमें एक्शन ड्रामा देखने के लिए मिलने वाला है और ये इंडियन सिनेमा फैंस के लिए बहुत बड़ा ट्रीट है। इसी के साथ एनटीआर जो है इस फिल्म में इंडियन एजेंट का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। शूट जारी है मुंबई में और बोथ एनटीआर एंड ऋतिक रोशन फिल्म के लिए अपनी अमेजिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी डांसिंग एबिलिटी से ऑडियंस को चौंकाने वाले हैं। आपको दोस्तों ये भी बताना चाहेंगे कि दोनों स्टार्स जो हैं उनको अपने एक्सेप्शनल अमेजिंग डांस टेक्निक के लिए जाना जाता है और ये दोनों एक साथ साथ डांस करते हुए हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपको दोस्तों ये भी बताना चाहेंगे कि एनटीआर को भी उनकी कई फिल्मों के लिए जाना जाता है जिन्होंने काफी अमेजिंग डांस किया था और अब कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन और एनटीआर के बीच जो हमें गाना देखने के लिए मिलने वाला है वो उनकी फिल्म RRR का जो नाटू नाटू सॉन्ग था उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। इसी के साथ आपको दोस्तों ये भी बताना चाहेंगे कि इनके गाने को जो है कंपोज और कोरियोग्राफ गणेश आचार्य ही करने वाले हैं और इसमें ऋतिक रोशन और एनटीआर ही होंगे। ये सॉन्ग एक बहुत बड़ा होने वाला है। ये फिल्म भी ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग होगी क्योंकि वॉर का जो पहला पार्ट था वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया था और 2019 के बाद से ही वॉर 2 का इंतजार किया जा रहा था और फाइनली हमें वॉर 2 को लेकर इतने सारे अपडेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको दोस्तों ये भी बताना चाहेंगे कि वॉर 2 में आज लीड एक्ट्रेस को लेकर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन तो नहीं है, हालांकि इसके डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं। इसे प्रोड्यूस आदित्य चोपड़ा की प्रोडक्शन हाउस वायरफ कर रही है और सभी को अब वॉर 2 का बेसब्री से इंतजार है। दूसरी ओर डांस नंबर को लेकर ये जो खबरें आई हैं इसके बीच फैंस की एक्साइटमेंट फिल्म को लेकर और ज्यादा बढ़ गई है। अब देखना ये होगा कि हमें वॉर 2 कब तक देखने के लिए मिलेगी। खबर ये है कि हमें ये फिल्म जो है 2025 तक सिनेमाघरों में देखने के लिए मिल सकती है। खैर दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।